नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आपका अपने इस चैनल आयुर्वेद इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे ईख यानी गन्ना, संस्कृत में मधुतृण, इंग्लिश में शुगर केन और लैटिन में सैकेरम ऑफिसनेरम। अब इसके प्राप्ति स्थानों की बात की जाए तो यह भारत के जितने भी गर्म उष्ण प्रदेशी प्रदेश हैं उन सभी जगहों में बहुतायत से मिलता है। उसके अलावा क्यूबा, जावा, भारत, मॉरिशस, फिलीपींस, चीन, गायत्रा, पश्चिम हिंद, इन सभी जगहों पर बहुतायत से पाया जाता है। अब इसके गुणधर्म की बात करते हैं तो यह जो है स्वाद में मधुर, शीतल, उष्ण, कफकारक, मूत्रशोधक, कांतिवर्धक, कमीजनक, दस्तावर और रक्तपित्त का नाश करने वाला होता है। आपको वीडियो के बीच में कहीं भी बोनेंजा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, सो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम बीच बीच में ऐसी विशेष सूचनाएं लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती हैं। जो गन्ने का रस है, जो बहुत ज़्यादा हम शारीरिक परिश्रम कर लेते हैं और थकान महसूस कर लेते हैं, तब गन्ने के रस का सेवन करें तो थकान फौरन ख़त्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना यदि खा लेते हैं और एसिडिटी बढ़ जाती है तब भी ये रस जो है शांति प्रदान करता है। इसी तरह से गर्मी के दिनों में यूरिनेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जलन बढ़ने लगती है, तो गन्ने का रस इसमें बहुत कारगर सिद्ध होता है। यदि गन्ने के पीसेस को दांतों से चबाकर चूसा जाए तब यह मधु, शीतल, स्निग्ध, श्रमदान, कफकारक, दाहकारक, दस्तावर और पुष्टिकारक होता है। जो कोल्हू के द्वारा पेड़ का रस निकाला जाता है उसमें जड़ से लेके ऊपर तक पूरा गन्ना रोल कर दिया जाता है, जिससे कि काफ़ी सारी अशुद्धियाँ उस रस में आ जाती हैं जो कि बहुत ही नुकसानदायक होता है। अतः ध्यान रखें कि जब भी आप गन्ने का रस पीने जाएं तो गन्ना साफ सुथरा हो। जब इस रस को पका लेते हैं तो यह नेचर में भारी, स्निग्ध, अत्यंत तीक्ष्ण, पित्तकारक, अफरा और कफ और वात, इन सब का शमन करने वाला होता है। जॉइंटिस के लिए गन्ने का ताज़ा रस और जौ का सत्तू साथ में मिलाकर लें। यदि कब्ज से संबंधित समस्या हो तो जौ की बाल और गन्ने का रस। यदि गन्ने का रस और शहद मिला के लें तो एसिडिटी में आराम मिलेगा और जो शरीर में जो जलन हो रही है उसमें भी आराम मिलेगा। यदि हिचकी आ रही हो तब केवल गन्ने का रस ले लें। यदि पेट दर्द की समस्या हो उसके लिए 5 लीटर गन्ने का रस एक मिट्टी की मटकी में डालकर मुंह बांध करके रख दें, फिर उसे अगले दिन खोलें, छानें, फिर बांध के रख दें। इस तरह से 1 महीने तक करें। उसके पश्चात करीब 1 से 3 ग्राम रस में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर थोड़ा सा गर्म करके फिर पिएं, जिससे कि आपका पेट दर्द हमेशा के लिए लाभप्रद होगा। यदि खाने में अरुचि है या गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए गन्ने का रस उसे या तो धूप में रख दें या फिर धीमी आंच पे औटा लें, जिससे कि वो गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, और फिर उसको एक चीनी मिट्टी के पात्र में यानी क्ले पॉट में 8 दिन के लिए रख दें और उसके पश्चात उसका सेवन करें। पीलिया का एक बहुत ही शानदार उपाय, गन्ने के पीस छोटे छोटे करके रात में खुले आसमान के नीचे रख जाएँ, जिससे कि उस पर ओस पड़ जाए, और सुबह उसे चबा चबा कर खाएं तो आपको 4 दिन में निश्चित ही आराम मिलेगा। यदि सांप काट गया हो तो उसके लिए पुराना गन्ने का जो सिरका रहता है वो 50 ml ले लें और हर 2 घंटे में रोगी को पिलाएं। 4-5 बार पिलाने पर विष का जहर कम हो जाएगा, बेहोशी दूर होने लगेगी, और जो सिरका है वो काटे हुए स्थान पर मालिश करें तो दर्द में भी आराम मिलेगा। अब यदि गन्ने के रस को गर्म करके इसका सेवन करें तो यह जो है नेचर में
भारी और तर हो जाएगा, इसलिए ये फेफड़ों को मुलायम करता है, खांसी को दूर करता है। दस्तावर रक्त शोधक पेट की जलन को कम करता है। आमाशय में जो वात प्रकोप है उसे दूर करता है, एसिडिटी को कम करता है और शुद्ध डकारे लाता है। यदि इस रस का प्रयोग ज़्यादा कर लें तो भूख कम लगती है, डकार आती है और उल्टी सा महसूस होने लगता है, और यदि उल्टी होती है तो जो कफ है वो बाहर आ जाता है। शरीर में यदि खून बढ़ाना हो तो गन्ने के रस में चावल पकाकर खाएं, उससे खून भी बढ़ेगा और साथ ही साथ मन प्रसन्न भी रहेगा। रात्रि में भोजन के पश्चात गन्ने को चूसकर खाने का नियम बना लें, ये बहुत ही हितकारी होता है। डायरिया के लिए गन्ने का रस और अनार का रस मिलाकर सेवन करें। यदि गोनेरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो गन्ने का रस और आंवले का रस प्रयोग करें। यदि टॉन्सिल्स है उसके लिए हड़ का चूर्ण फाँक लें और ऊपर से गन्ने का रस पी लें। यदि गला बैठ गया हो तो गन्ने को आँच में धीमी आँच में भून लें और फिर उसे चूसें। एसिडिटी से रिलेटेड वोमिटिंग महसूस हो रही हो तो गन्ने का रस और शहद लें। यदि नकसीर की प्रॉब्लम है तो गन्ने का रस सूंघें। स्तनपान कराने वाली स्त्री को यदि हम गन्ने की जड़ पीस कर कांजी के साथ सेवन कराते हैं तो दूध आने की क्षमता बढ़ जाती है। टीबी जो कि भारत में बहुत ही कॉमन डिसीज़ है, इसके जर्म्स हर पांचवें व्यक्ति के शरीर में मौजूद मिलेंगे। तो इस बीमारी से लड़ना हो तो इसके लिए जब कोई विषैला सर्प मरा हुआ हो तो उस मरे हुए सर्प को ईख की जड़ के पास मिट्टी में दबा दें, जिससे कि जो ईख तैयार होगी उस ईख को यदि हम 21 दिन तक सेवन करते हैं तो टीबी के जो कीटाणु लंग्स में मौजूद हैं वे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ लंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, है ना? तो फिर लाइक कीजिए, देर किस बात की, और इसी तरह से बने रहिए और अपनी जानकारियों को बढ़ाते रहिए और अपने जीवन में इनका सदुपयोग करते रहिए और साथ ही साथ अपने अनुभव हमें शेयर भी करते रहें। अब गन्ने के रस के कुछ हानिकारक प्रभाव देख लें। ये जो रस है यदि अधिक पी लें तो भूख नहीं लगती है, अफारा चढ़ता है और पेट में कृमि बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मुंह से दुर्गंध आती है और लंग्स में कफ डिपॉजिट होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए वृद्ध लोगों को सीमित मात्रा में ही इसका सेवन कराया जाता है। दूसरी बात, एक और विशेष, यदि रस बासी हो गया है तो कभी भी उपयोग ना करें, क्योंकि वो एसिटिक नेचर का हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप किसी भी चीज़ का सदुपयोग पूरी तरह से करेंगे और अपने जीवन में भरपूर लाभ उठाएंगे। उसी के साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सभी कुछ कीजिए और इसी तरह से साथ में बने रहिए और अपने वालों को बताइए, फ़ायदा उठाइए और हमें भी अपने कमेंट्स और अनुभवों द्वारा अवगत कराते रहें, जिससे कि ये जो एनर्जी है हमारी बनी रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ एकत्रित करके लाते रहें। उसी के साथ नमस्कार।